हाय एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यूट्यूब पर एक अट्रैक्टिव थंबनेल कैसे बनाते हैं। दोस्तों, यूट्यूब पर सक्सेस होना है अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो आपके लिए बहुत ही जरूरी होता है कि यूट्यूब पर अट्रैक्टिव क्लिकबेट थंबनेल बनाना। दोस्तों, यूट्यूब पर सक्सेस होने के लिए सबसे पहला सीधा डंडा होता है थंबनेल। दोस्तों, आपकी ऑडियंस, आपका व्यूअर्स देखता है पहले कि आपके थंबनेल में आपने क्या बनाया है, थंबनेल आपने कैसा बनाया है। दोस्तों, जब आपका थंबनेल किसी के पास जाता है, हम यूट्यूब पर जाते हैं और इस तरीके से स्वाइप करते हैं, तो हमारे सामने लोगों के थंबनेल आते हैं। जैसे कि मैंने सर्च किया यूट्यूब पर कि यूट्यूब वीडियो वायरल कैसे करें, तो दोस्तों पहले हम देखते हैं कि सबसे अच्छा थंबनेल किसका है, क्योंकि आदमी पहले बाहर की चीज़ देखता है, तो वो पहले देखता है थंबनेल। अगर आपका थंबनेल अच्छा होता है तो वो आपका थंबनेल पे आपके क्लिक करता है, और वीडियो भी अच्छा है तो वीडियो को पूरा वॉच करता है, आपके सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, आपका वॉच टाइम बढ़ता है, आपकी ऑडियंस बढ़ती है। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर यूट्यूब पर आपको सक्सेस होना है तो यूट्यूब पर आपको एक अट्रैक्टिव थंबनेल बनाना आना चाहिए। तो दोस्तों, अट्रैक्टिव थंबनेल बनाने के लिए आपको क्या करना है, बहुत सी एप्लीकेशंस आती हैं थंबनेल बनाने के लिए, लेकिन दोस्तों जो बड़े बड़े यूट्यूबर यूज़ करते हैं उस थंबनेल का नाम है पिक्सलैब, जो दोस्तों आपको कोई भी नहीं बताएगा। ये प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो दोस्तों, पिक्सलैब से अट्रैक्टिव क्लिकबेट, अच्छा साफ सुथरा थंबनेल कैसे बनाएं, एक नए यूट्यूबर के लिए बहुत ही ज़रूरी ये वीडियो है, क्योंकि नए यूट्यूबर पिक्सआर्ट से या काइन मास्टर से या अलग अलग एप्लीकेशन से या पिक्सलैब का भी डाउनलोड कर लिया है, लेकिन वो पिक्सलैब को यूज नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि पिक्सलैब से अट्रैक्टिव क्लिकबेट, अच्छा थंबनेल कैसे बनाएं, जिससे आपकी ऑडियंस बढ़े, आपके व्यूज आएँ और आपका जो है सब्सक्राइबर बढ़े। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक जरूर कर देना। दोस्तों, शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो दोस्तों, पिक्सलैब को आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है, सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाता है। अब दोस्तों, आपको यहाँ पे इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों, सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका इमेज साइज़ क्लियर करना है। इमेज साइज़ यहाँ पे आपको 3 डॉट पे क्लिक करना पड़ेगा, फिर इमेज साइज़ पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे इमेज साइज़ पर क्लिक करने के बाद आपको एक बार कस्टम पे क्लिक करना पड़ेगा। कस्टम पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये 2, 3, 4, 5 ऑप्शंस आ जाते हैं, कस्टम, स्क्वायर, प्रोफाइल पिक्चर्स, यूट्यूब चैनल बैनर। अगर आपको यूट्यूब चैनल का बैनर बनाना है तो इस पर क्लिक करना, यूट्यूब थंबनेल बनाना है तो आपको इस पर क्लिक कर लेना, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है, फिर सिंपली आपको ओके दबा देना है। तो दोस्तों, ये यूट्यूब का हमारा जो है थंबनेल का साइज़ क्लियर हो गया। अब आपके सामने ये टेस्ट का आइकन दिख रहा है, आपको इसे डिलीट कर देना है। इस तरीके से डिलीट वाले ऑप्शन पे जाएंगे, डिलीट हो जाएगा। अब दोस्तों, अगर आपको ये बैकग्राउंड पसंद नहीं है तो आप इसमें बैकग्राउंड चेंज भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको बैकग्राउंड चेंज करने के लिए यहाँ पे क्लिक करना पड़ता है। तो इस पर क्लिक करने के बाद आपको कलर पर क्लिक करना पड़ता है। कलर पर क्लिक करने के बाद आप दोस्तों यहाँ पर जो भी कलर पसंद करते हैं, यानी जो आपको पसंद है, वो यहाँ पर बहुत सारे कलर आपको मिल जाएंगे, आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। और आपको ग्रेनाइट भी मिल जाता है, यहाँ पर क्लिक कर देंगे। इस तरीके से लोग, आपने देखा होगा, इस तरीके से लोग थंबनेल में यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से आप जो भी आपको पसंद है वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। फिर आपको अगर ये पसंद है तो आपको सही वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे आपको जो भी कुछ लिखना है या कुछ प्रोफाइल पिक्चर डालनी है तो आपको प्लस वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही प्लस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे, आपको अपना फ़ोटो वोटो लगाना है तो आपको फ्रॉम गैलरी पर क्लिक कर देना है। फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। अब सिंपली आपको क्या करना है, अपनी एल्बम पे क्लिक कर देना है। एल्बम पे क्लिक करने के बाद दोस्तों, आप गैलरी में पहुंच जाएंगे। जो भी फ़ोटो आपको पसंद है वो यहाँ पे आप अपना फ़ोटो ले सकते हैं। जैसे कि मैं ये वाला फ़ोटो अपना ले लेता हूँ। इस तरीके से आपको अपना फ़ोटो ले लेना है। फ़ोटो लेने के बाद दोस्तों, इसका साइज़ आपको छोटा बड़ा करना है, वो आप कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपने साइज़ को भी छोटा बड़ा कर सकते हैं। फिर आपको क्या करना है, सिंपली दोस्तों फिर से प्लस वाले आइकन पे क्लिक कर देना है। अगर आप इसे सेव करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है यहाँ पे, और इसे सेव कर देना है, जिससे आपका ये हिलेगा नहीं। यहाँ पे आपको लॉक वाले आइकन पे क्लिक कर देना है, ये आपको लाल दिखेगा, ये सेव हो जाएगा। फिर से आपको वेक इस पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, ये आपका सेव हो गया। अब आपको क्या करना है, दोस्तों ये आपका सेव हो गया, उसके बाद आपको प्लस वाले आइकन पर जाना है, और प्लस वाले आइकन पर जाने के बाद आपको क्लिक कर देना है। फिर आपको न्यू टेस्ट पर जाना है, टेस्ट पर क्लिक कर देना है, यानी कुछ आपको लिखना है। फिर आपको यहाँ पे एक ए वाला ऑप्शन दिखता है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करेंगे, फिर आपको इस पर एडिट पे क्लिक कर देना है, पेंसिल वाले आइकन पे। फिर दोस्तों, ये आपको न्यू टेस्ट डिलीट कर देना है। तो यहाँ पे आप जो भी लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। आपने जिस भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बनाया है, जैसे कि आपने यूट्यूब से रिलेटेड वीडियो बनाया है, तो आप यहाँ पर
लिख दें YouTube वीडियो वायरल कैसे करें या कुछ भी, जैसे कि YouTube सर्च पे YouTube चैनल सर्च में कैसे लाएं, आप लिख सकते हैं। इस तरीके से मैंने YouTube लिख दिया, ओके पे दबा देना है। ओके पे दबाने के बाद आप इसका साइज़ छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। इस तरीके से छोटा बड़ा करने का दोस्तों आपको यहाँ पे कलर का ऑप्शन मिल जाता है कि यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दोस्तों इसमें हैं, आप धीरे धीरे सबको समझ जाएंगे। इस तरीके से आप इस पर कलर भी चेंज कर सकते हैं, कोई भी सभी कलर आप इस पर चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने ये वाला कलर यहाँ पे ब्लैक डाल दिया, यहाँ आपको सही वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों आपको एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पे बैकग्राउंड का, तो दोस्तों आप बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे जो भी बैकग्राउंड आपको पसंद है वो यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं ये वाला बैकग्राउंड यूज़ कर लेता हूँ जो आपको अच्छा लगे। इस तरीके से आप इनके कोनों को भी बढ़ा सकते हैं और आपका इसका आपको इसे इसका कोना गोल करना है तो आपको इस पर थोड़ा खींच देना है नीचे वाले ऑप्शन पे। इस तरीके से दोस्तों आपको इसे खींच देना है, ये आपका हो जाएगा गोल। तो दोस्तों इस तरीके से आपको सही वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, फिर दोस्तों इसे सेट कर लेना है जहाँ पे आपको ये अच्छा लगे। फिर आपको फिर से प्लस वाले आइकन पे क्लिक कर देना है, फिर से आपको जो भी लिखना है आप लिख सकते हैं। इस तरीके से न्यू टेस्ट पे जाके सॉरी यहाँ पे फिर आपको लिखना है जैसे कि चैनल, इस तरीके से आप लिख दें, ओके पे दबा दें। फिर यहाँ पे आप इसे घुमा भी सकते हैं, इस तरीके से आप इसे घुमा भी सकते हैं और बड़ा भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ पे बहुत ही ध्यान से थोड़ा सेट कर लेना है, जब तक आप इस पर टाइम नहीं लगाएंगे थंबनेल में तब तक आपका ये अच्छा नहीं बन पाएगा। इस तरीके से इसका साइज़ भी बड़ा कर सकते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पे इसे हम फिर से इसका कलर चेंज कर देंगे, जो हमें कलर पसंद होगा हम वही कलर यहाँ पर रखेंगे जो आपको पसंद लगे दोस्तों, ठीक है। फिर आपको बैकग्राउंड पर जाना है, बैकग्राउंड पर जाने के बाद आपको इनेबल कर देना है। इनेबल करने का जो भी कलर आपको पसंद हो आप वो कलर यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे वाइट वाला कलर यहाँ पे चूज़ कर देता हूँ, इस तरीके से इसको बढ़ा सकते हैं। फिर दोस्तों आपको मैं बता दूँ सही वाले आइकन पे क्लिक कर देना है। अब ये छोटा अक्षर आपको दिख रहा है, आपको इसे स्ट्रोक करना है, स्ट्रोक भी कर सकते हैं। आप जिस भी कलर से आप इसे स्ट्रोक करना चाहते हैं इस तरीके से घटा बढ़ा भी सकते हैं, तो आपको जितना अच्छा लगता है उतना आपको करना है। इस तरीके से सही वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपको दोस्तों यहाँ पर और भी कुछ लिखना है आप लिख सकते हैं, और यहाँ पे आपको कुछ भी लगाना है जैसे कि आपको प्लस वाले आइकन पे क्लिक कर देना है, फ्रॉम गैलरी पे जाना है। गैलरी पे जाने का दोस्तों अगर आप यहाँ पे कुछ भी लगाना चाहते हैं आपको गूगल या क्रोम ब्राउज़र से कहीं से भी डाउनलोड कर लेना है पिक्सार्ट से, तो आपको यहाँ पर जो आप लगाना चाहते हैं यहाँ पर आप लगा सकते हैं। इस तरीके से डाउनलोड भी हो गया है। फिर आपको प्लस वाले आइकन पर क्लिक कर देना है, फिर से गैलरी में जाना है। गैलरी में जाने के बाद फिर से आपको एल्बम पर क्लिक कर देना है, आप गैलरी में पहुँच जाएंगे। जो भी आपने डाउनलोड किया होगा यानी कुछ भी आपने डाउनलोड किया है, जो भी आपका होम पेज है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे अपना एक यूट्यूब का ये जो है लोगो डाल देता हूँ, तो मैंने यहाँ पे यूट्यूब के लोगो पे क्लिक किया और मैं इसको साइज़ छोटा बड़ा भी कर सकता हूँ। इस तरीके से इसे वाइट इसका मैं थोड़ा हटा देता हूँ। इस तरीके से सही वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने का दोस्तों यहाँ पर इसे जिस जहाँ पर भी आपको अच्छा लगे वहाँ पर इसे आप सेट कर देंगे। इस तरीके से जहाँ पे भी आपको ये अच्छा लगे इस तरीके से आप इसे सेट कर दें। तो दोस्तों आप इसमें जितना टाइम लगाएंगे उतनी जल्दी आपका थंबनेल बन जाएगा। और दोस्तों बहुत ही ध्यान से आपको बनाना है, स्टेप बाय स्टेप आपको इसमें लिखना है, जहाँ तक हो सके तहाँ तक थंबनेल में कम से कम लिखें। और आप इसमें कोई भी कलर चेंज करना चाहते हैं, जैसे कि मैं बाद में भी कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं कलर पर गया और यहाँ पर जो कलर आपको पसंद हो, जैसे कि ये वाला पसंद है, ये पसंद है, जो आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। तो दोस्तों इसी तरीके से आप थंबनेल बनाएंगे पिक्सल लैब से, और आप समझ गए होंगे दोस्तों अगर ज़्यादा आपको बारीकी से समझाएंगे हर एक बात बताएंगे तो उसमें बहुत टाइम लगेगा। दोस्तों यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखें, इसमें बहुत सारे ऑप्शन ये दिए गए हैं, और फिर प्लस वाले आइकन में आपको क्लिक कर देना है। प्लस वाले आइकन क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, स्ट्रोक कर सकते हैं यहाँ पर दोस्तों मैं बता दूँ आपको, डिलीट क्रॉप काट सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, टू बैक पोजिशन कलर कर सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। उसके बाद ए वाले ऑप्शन पे दबाएंगे तो आप यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हैं, यानी कि दोस्तों इसमें बहुत सारा सब कुछ होता है। तो आप लोग ध्यान रखें दोस्तों, यहाँ पे आप बैकग्राउंड भी चूज़ कर सकते हैं, कुछ भी आप अलग से लगाना चाहें लगा सकते हैं। तो इसी तरीके से आपको अपना थंबनेल बना लेना है। दोस्तों जब आपका थंबनेल बन जाएगा तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है सेव का, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। और पहले आपको अपना प्रोजेक्टर सेव कर लेना है, सेव ए प्रोजेक्टर पर क्लिक कर देना है। फिर जो भी प्रोजेक्टर है कुछ आपको यहाँ पर डाल देना है, जो भी एक्स वाई जेड कुछ भी डाल सकते हैं। फिर आपको सिंपली फिर से इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको दोस्तों सेव ए इमेज पे क्लिक कर देना है। सेव ए इमेज पे क्लिक करने के बाद दोस्तों
सेव इमेज पे क्लिक करने का दोस्तों आपको यहाँ पे कस्टम पे क्लिक करना है। कस्टम पे क्लिक करने के बाद आपको दोस्तों सबसे नीचे जो आपको दिख रहा है यहाँ पे अल्ट्रा पे क्लिक करना है। अल्ट्रा पे क्लिक करने का दोस्तों आपको सेव टू गैलरी पे क्लिक कर देना है, फिर ये आपका थंबनेल आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको यही इंपॉर्टेंट जानकारी देनी थी। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।